ये वीडियो में हम आपको नए पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। मैंने इस यहाँ ये वाले पॉट से पुराना था जो पौधा था गवार फली का, वो उखाड़ कर फेंक दिया क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी थी। और ये अब इसमें नया पौधा शिफ्ट करने वाले हैं या नया पौधा सोइंग करने वाले हैं, तो नए पौधे के लिए हम मिट्टी कैसे तैयार करें ताकि मिट्टी उपजाऊ हो और पौधा जल्दी से जल्दी अपनी ग्रो कर सके। पहले तो हम ऊपर की जो मिट्टी है पूरी ऊपर का जो सख्त सख्त मिट्टी थी हमने उसको भुरभुरा कर दिया है। अब ये ऊपर की जो मिट्टी है हम ये निकाल लेते हैं। ऊपर की पूरी मिट्टी हम निकाल लेते हैं, इसमें बहुत सारा खाद भी है। नीचे मिट्टी को और भी भुरभुरा करते हैं और जो हम ये मिट्टी निकाल रहे हैं इसे और धूप में रखेंगे ताकि इसमें बैक्टीरिया फंगस जो भी है वो मर जाए। एक दिन पूरी मिट्टी धूप में सूखने के बाद हम इसमें सूखे हुए पत्ते, यानी मेरे पास ये पालक के सूखे हुए पत्ते हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ। ये अंदर डाल के इसके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी डाल दूंगा, इससे बहुत अच्छी कंपोस्ट बनेगी हमारे पौधे के लिए। ये खाद बहुत ही उपयुक्त होगा जो जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे डिकम्पोजिशन इसमें होगा और ये खाद पौधा अच्छे से ले सकेगा। इसमें 300 ग्राम तक काउडंग यानी गोबर का खाद मिला दूंगा और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अब हम रेशियो की बात करें तो इसमें 70% गार्डन की सॉइल है और 30% कंपोस्ट है, कंपोस्ट यानी गाय का गोबर का खाद और थोड़ा सा सूखे हुए पत्ते का भी खाद हम इसमें ऐड कर दिया है। पर इसके ऊपर हम अब थोड़ी सी गार्डनिंग सॉइल डाल के इसमें जो भी पौधा हम शिफ्ट करना चाहते हो लगा सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।